नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपराधियों के आशियानों पर बुलडोजर चला रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां सरकार बनने के बाद बुलडोजर चलाए जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर सीधे हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि अरुण साव को बुलडोजर चलाने की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हम लोग बुलडोजर चलवाने में विश्वास नहीं रखते, कानून पर विश्वास करते हैं। ये नफरत की राजनीति करते हैं क्योंकि इनका मूल आधार ही हिंसा और नफरत है। कांग्रेस का आधार भाईचारा और प्रेम है। हम जोड़ने की बात करते हैं और वो तोड़ने की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, वो सत्ता के भूखे लोग हैं। सरकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अरुण साव जी, क्योंकि रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है कि एक साल कमीशन खोरी बंद कर दो, उसके 30 साल राज करेंगे। कमीशन खोरी बंद नहीं किया और सत्ता से चले गए, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। तो अरुण साव जी पहले अपने घर से शुरुआत कर ले, जितने कमीशन खोर हैं जिसको रमन सिंह जी ने कहा है, उसके पहले उसके घरों में पहले क्या चलाना है वो चलाए भाई। और हम लोग को बुलडोजर वगैरह चलाने में विश्वास नहीं करते, कानून पे विश्वास करते हैं। कानून का राज हमारे छत्तीसगढ़ में है और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति। और क्योंकि उसका मूल आधार ही हिंसा और नफरत है। कांग्रेस का जो आधार है वो भाईचारा है, प्रेम है। जो हमारे भारत की परंपरा रही है ऋषि मुनियों की, उस परंपरा से हम लोग चलते हैं। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और KS चौहान जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत KS चौहान जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हम कार्रवाई करेंगे और CM भूपेश बघेल उस बात को आप लोगों पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि शुरुआत करनी है तो पहले अपने घर से कीजिए, चौहान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर शुरुआत करनी है तो अपने ही घर से करेंगे। अगर हम अपराधी हैं, अगर हमारा हम अपराधी हैं और अपराध रोकने के लिए अगर हमारे को अपने घरों में बुलडोजर चलाना पड़ता जी, है जी। तो हम पहले अपने घर में चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, सीना ठोक चलाएंगे। विवेक जी, हम बचपन से पिक्चर देखते हुए आए और बचपन से पिक्चर में देखते हुए आए हैं। और जब कोई पुलिस ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर या जब उसका कोई बस नहीं चलता है और फिर वो कानूनी तौर पे ऐसी कोई हरकतें करता है जिससे उसके अपराधी के आत्मविश्वास पे आघात होता है, तब जाके हम इस पे तालियां पीटते हैं। ऐसे कई दृश्य हमारे को दिखाई देते हैं। और एक आम जनता से आप पूछेंगे ना तो आम जनता क्या बोलेगी? आम जनता बोलेगी कि अपराध रुकना चाहिए। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि इसमें मूल जो है वो नफरत है, तो नफरत और सजा में फर्क होता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, जो एक जज किसी को सजा देता है तो वो उस अपराधी से नफरत नहीं करता, वो अपराध से ही नफरत करता है। और अपराध के को रोकने के लिए अपराधी के आत्मविश्वास को बढ़े मत और अपराध मत बढ़े, इस वजह से सजा दी जाती है। ये नफरत नहीं है। नफरत ये होती है कि जिसने नहीं भी किया है
उसके उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए। और जी सबसे मेन बात यह है कि जो कार्रवाई की जाती है और जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ये जो राज्य है, ये शासित राज्य है, उसमें जो भी आज तक बुलडोजर चलाए गए हैं और जो अरुण साव जी जिस चीज को बोलते हैं बुलडोजर चलाए गए हैं वो संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भवन अधिनियम 2006 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 ये अधिकार देता है किसी भी नगर निगम को कि वो अगर भवन गैर कानूनी है, भवन अगर किसी कानून के दायरे में नहीं आता है तो उसको आप ध्वस्त कर सकते हैं। उसी के तहत अगर मेरे को एक भी आप ऐसा भवन दिखा दीजिए जो कानूनी रूप से बना हो ठीक है, और जिस भी अपराधी का हो जी, जी, और उसको ध्वस्त कर दिया गया हो, ये बता दीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ गंगवानी जी क्या कहेंगे। बीजेपी तो कह रही है केवल अगर हमारी सरकारों ने कार्रवाई भी की है तो बिल्कुल तर्क सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई की है, अपराधियों के आशियाने पर ही बुलडोजर चलाया है और कुछ ऐसा ही वो छत्तीसगढ़ में करने की भी प्लानिंग में है अगर उन्हें जनता साथ देती, अगर उनका साथ जनता देती है इस साल। हाँ देखिए पांडे जी, दो से तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है बुलडोजर। बुलडोजर अपना जो शब्द है ना वो कहीं ना कहीं भाजपा के फासीवादी विचारधारा का प्रतीक है। बुलडोजर शब्द से ही घृणा, भय, आतंक, नफरत और हिंसा का प्रतीक। देखिए कहीं ना कहीं देश का संविधान यूपी से कहता है, यूपी में तो बाबा बुलडोजर स्वैग स्वैग वाला शब्द ज्यादा हो गया है लेकिन इस समय। पांडे जी मैं थोड़ा सा निवेदन है, मैं कंप्लीट करूं, आपके कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं फिर सारे प्रश्नों को जवाब दूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहीं ना कहीं जो बुलडोजर है वो घृणा, भय, आतंक, नफरत और हिंसा का प्रतीक है। आज कहीं ना कहीं देश का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि आप अपराधी से घृणा कीजिए, अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसकी सजा उसके घर वाले क्यों भुगते, अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपनी दिशा से भटक चुका है, वो अपराध करता है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए देखिए मेरे मित्र चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया न्यायालय को अधिकार है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जज की नियुक्ति न्यायालय को देश का संविधान देश का कानूनी अधिकार देता है कि उसके अपराध के हिसाब से उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन क्या कोई मुख्यमंत्री तो कोई राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए क्या इस प्रकार की जो प्रक्रिया है देश के संविधान और कानून को अपने हाथ में लेने का जो प्रयास है क्या वो न्यायचित है, मुझे बता दे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना और धार्मिक उन्माद फैलाना सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, छत्तीसगढ़ की शांत धरा है, ये शांति का टापू है, हमारे इंटेलिजेंस को भी स्पष्ट इनपुट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की शांत धरा को आज यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक उन्माद फैलाने का साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में छत्तीसगढ़ की जनता का कल्याण नहीं है, राज्य का विकास नहीं है, इनकी प्राथमिकताओं में बुलडोजर है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, आप 15 साल तक सरकार में रहे, भैया सारकीगुड़ा, एडस मेटा, पैदा गलूर में निर्दोष और मासूम आदिवासियों का इनकाउंटर कर दिया गया, कहां था आपका बुलडोजर? जब छत्तीसगढ़ में 27,000 महिलाएं लापता हो गई, कहां था बुलडोजर आपका? महिला कांस्टेबल का बलात्कार होता रहा, पैसाई की खुलेआम सड़क पे हत्या होती रही, कहां था बुलडोजर आपका? कांकेर के झलियामारी में मासूम निर्दोष बच्चियों का बलात्कार होता रहा, यौन शोषण होता रहा, कहां था आपका बुलडोजर? आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी ओपी गुप्ता नाबालिग का यौन शोषण करते रहे, कहां था आपका बुलडोजर? आज नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से आपने 14 जिलों तक पहुंचाया, कहां था बुलडोजर आपका? आज आप ही के जगत पुजारी नक्सलियों को 10 साल तक सामान सप्लाई करते रहे, उसको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया, कहां था आपका बुलडोजर? आज देखिए गंगा पांडे लगातार मानव तस्करी करती रही, उनके पति जी पर्यावरण मंत्री के राइट हैंड थे, वो गंगा पांडे को क्यों कार्रवाई नहीं करते? कहां था आपका बुलडोजर? आज पेंडर जो रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इनके सांसदों के साथ फोटो डालता है, फोटो केक काटते हुए, इनके नागू चंदागा रेत का अवैध उत्खनन करते हैं, तो कहां था बुलडोजर? ये राजनीति करने का प्रयास न करे, आपकी जो चरित्र है, आज देखिए रामनवमी के दिन आप 10-10 राज्यों में दंगा फैलाते हैं, रथयात्रा के नाम से देश के 5,000 निर्दोष देशभक्त से वो मौत के प्राप्त हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज गुजरात की आप जो हिंसा हुई उसको आप जस्टिफाई करते हैं, तो ये आपका चरित्र है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाना,
धार्मिक जी उन्माद फैलाना, जी सांप्रदायिक हिंसा चलिए फैलाना, पूछ लेते ये हैं, कोई छत्तीसगढ़ में ना आपके करे। जो आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी पर, केएस चौहान साहब, अजय गंगवानी जी ये कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि आप यानी सरकार में अगर कभी हों तो ऐसी कार्रवाई क्यों करते हैं, अपराधी है तो उसे सजा दिलवाइए, उसको नष्ट कीजिए, जो आप लोगों को करना चाहिए, उसके परिवार देखिए, का, माता पिता का, भाई बहन का क्या लेना देना है। ऐसी ही एक कार्रवाई सीधी में अभी हुई थी, तो वो परिवार के लोग रो रहे थे, वो कह रहे थे कि इस व्यक्ति का इस घर में कोई लेना देना तक नहीं है, ये दादा परदादा का घर है, इसे क्यों तोड़ा जा रहा है। तो बहुत ये भी अच्छा तो क्वेश्चन कुछ पांडे जी चुभते आपने। हुए सवाल है ना, जिसके जवाब आपको देने होंगे। देखिए, सबसे मेन बात यह है, हाँ मैं एक चीज को, एक लाइन को सुधार देना चाहता हूं जी कि बिल्कुल। अपराधियों के भवन पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा, अच्छा अपराधियों के गैर कानूनी भवन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, कैसे ऐसा कैसे एक भी घर क्या कानून व्यवस्था नहीं है, क्या हाँ यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था नहीं है? अगर न्यायिक व्यवस्था है और जो आप न्यायालय में जाइए और हाँ वहां पर से स्टे ला सकते हैं, अगर वो भवन जो गैर कानूनी नहीं बना हुआ है, कानूनी तौर पे बना हुआ है, नहीं, विपक्ष उस विपक्ष भवन ये में बोलता है कि वास्तविक, जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो प्रतीकात्मक आप लोग ज्यादा करते हैं, ताकि उसको दिखाया जा सके, ऐसा ऐसा आप लोग को नहीं देखिए लगता क्या? राजनीतिक देखिए फायदा उठाने के लिए देखिए पांडे जी, देखिए राजनीतिक देखिए फायदा उठाने के लिए। सबसे मेन बात, सबसे मेन बात यह है कि हम अपराध को नष्ट करना चाहते हैं, जिसका अच्छा आप रिजल्ट देखिए जी विवेक जी, बताइए। यूपी में कितना अपराध कंट्रोल में। जब 2014 के देश पहले में हम पहले देख नंबर पे अजय पांडे जी, अजय जी मैं आऊंगा 2014 आपके पास, प्लीज के, प्लीज मैं आपको पूरा 2014 मौका के दूंगा पहले बोलने हम का। देखते हैं वो उनके पास कोई आंसर नहीं है एक्चुअली, ये इसीलिए बोलेंगे बोलेंगे आप 2014 के अपनी बात पहले। रखिए हाँ, जी। 2014 के पहले जब हम देखते हैं तो कितने ज्यादा वहां पर अपराध थे, और अब वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं। अब ये बुलडोजर की कार्रवाई हो या कानूनी कार्रवाई हो या प्रशासनिक कार्रवाई हो, उसके बाद प्रशासन के सभी नुमाइंदों का कितना मनोबल बढ़ा है, और उसके बाद लोग, जनता जो है, उसके बाद फिर से दोबारा यूपी में पिछले 50 सालों में कभी भी रिपीट नहीं हुई थी सरकार, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिपीट हुई और से भी ज्यादा मतों से रिपीट हुई। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए, क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ है, जनता ही जनार्दन है, जनता इस पे विश्वास रखती है, जनता इस कार्रवाई को कभी गलत नहीं ठहरा रही है। दूसरी बात, जनता मतलब प्रसन्न है बुलडोजर कार्रवाई से। बिल्कुल, हम उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो गलत देखते हैं हम लोग, और दूसरी बात यह है, गलत होते हुए देखते हैं, अगर उनके साथ इस टाइप की कार्रवाई होती है जिनका उनपे नहीं, मनोबल गिरता है। के एस चौहान जी, सवाल ये है कि ठीक है, अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफियाओं के आशियानों को आप लोग ढहाते हैं और फिर गरीबों को उसी जमीन पर फ्लैट देते हैं, उसका जनता तारीफ करती है प्रसन्नता के ना ना साथ, ना 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 दोनों ना हाथ, ना हाँ बिल्कुल, ताली विवेक बजाकर जी, स्वागत करती है। हम सवाल ये नहीं खड़ा हो विवेक रहा जी, है कि जैसे मान लीजिए अगर आरोपी है और अगर उसका घर का कोई भी व्यक्ति उससे इन्वॉल्व नहीं है, पूरी तरह से पाक ठीक है, साफ है, तो फिर उसके घर पर क्यों कार्यवाही हो रही है? उस घर में तो बहुत उसके अच्छा माता सवाल, पिता रहते हैं, भाई बहुत बहन अच्छा रहते हैं। सवाल, आपने बहुत ही सीधी अच्छा का उदाहरण सवाल। भी दिया था आप। अगर वो घर वाले अपराधी नहीं हैं, बिल्कुल हाँ नहीं हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो उनको पकड़ के जेल में नहीं डाला जा रहा है। दूसरी बात, जो उनका घर है, वो जब अपराध करके उसने घर बनाया, जब अपराधी अपराध की जो काली कमाई घर में लाया, उसको एंजॉय किया उन्होंने, उस लिए वो समान अपराधी हैं। लेकिन हमारा कानून ये बोलता है कि जो अपराध अच्छा चलिए, अपराधी पर है, मैं और हमारे मेरी दर्शक क्या, इतना तो के एस चौहान जी समझ रहे होंगे कि अगर ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समझ रहे हो, एक एक घर आपको अगर बनाना हो ना, तो
नक्शा पास करवाने से लेकर तमाम कानूनी धाराएं होती हैं जिसमें नगर निगम से लेकर राजस्व और न जाने कितने महकमे शामिल होते हैं। अगर वो अवैध है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ना उस पर, कहीं ना कहीं अगर हम कानून सम्मत बातें करें तो। विवेक जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। बोलिए सर, बोलिए। ये सब चीजें पाने के मुझे समय दीजिएगा, मेरा निवेदन है, समझ में आनी चाहिए कि ये क्या सही में कार्रवाई कर रही है। जी जी, सबसे मेन बात ये है कि जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई, जी क्या सभी जितने भी अपराधी हैं, जी जितने भी अपराधी हैं उन सबके घरों पे बुलडोजर चला है, आप ये ध्यान में रखिए, या उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है ये अहम बात आपने कही है। मैं अजय जी से जवाब ले लेता हूं। अजय जी, अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है और सरकार, यानी कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी सरकार नहीं है, मुझे लगता है चौहान साहब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और तमाम बीजेपी शासित राज्यों का जानकारी दे रहे होंगे, तो ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपराधियों की कमर तोड़ना है। एमपी के सीएम का एक कोट है, वो कहते हैं कि कानून अदालत अपना काम करेगी लेकिन प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर रेप के आरोपियों को या भूमाफियाओं को उनकी भाषा में सबक सिखाने का काम भी कर रही है अपराधियों के लिए। पानी देखिए, तीन से चार चीजें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज मेरे मित्र चौहान जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो लेटेस्ट आंकड़े आप में और मेरे चौहान जी चेक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश पूरे देश में हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में, महिला से जुड़े अपराध के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पे। मुझे बता दीजिए क्या बुलडोजर चलाने से ये हो रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चौहान जी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का प्रयास, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश के जो टॉप सबसे आपराधिक राज्य है, छह राज्यों में पांच राज्य ऐसे है जहां भाजपा की सरकार है। दूसरा, क्या मेरे को ये बता दे क्या भाजपा के नेता अपने आप को कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं, जब देश का संविधान कह रहा है कि आप अपराधी से घृणा कीजिए, अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं, ये अपने हाथ में कानून लेके आज जो देश के कानून और संविधान का माहौल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सही है, उसको न्यायचित कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण, वो कह रहे हैं कि जनता स्वागत कर रही है उनके बुलडोजर फैसले का, जनता स्वागत कर रही है, जनता कह रही है कि इससे, हाँ इससे कानून व्यवस्था उनको अच्छी लगती है। मतलब ये एक चीज देखिए, सबसे पहले मेरे मित्र चौहान जी ने शुरुआत की रखनी, वो क्या पिक्चर का बैठ के सीन दे रहे हैं, क्या जिस देश की जिंदगी में देश के आम लोगों के साथ आप पिक्चर बनाएंगे, आप बोलते हैं कि पुलिस वाला जब कानून को अपने हाथ में लेता है, अपराधी का मुठभेड़ करता है, मारपीट करता है, तो जनता ताली बजाती है, तो क्या कानून संविधान को लेकर देश को ताली बजाएगा? प्लीज प्लीज चौहान साहब, बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण एक संवेदनशील विषय पे जिसमें देश के जो है बड़ा मानव संसाधन, देश की हाईकोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट, इस पर उसने निर्णय देती है कि अगर किसी परिवार को कोई व्यक्ति अपराधी है, देश का संविधान और कानून उसके अपराध के हिसाब से, मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ पांडे जी, प्रत्येक अपराधी को उसके अपराध के हिसाब से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन देश के कानून और संविधान को अपने हाथ में लेने के लिए, अपने व्यक्तिगत छवि सुधारने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए जो बुलडोजर की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है बुलडोजर घृणा है और इसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नफरत हिंसा विद्वेश की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। देखिए हमने कवर्धा में देखा, शांति मार्च की परमिशन लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और इनके महापौर सब जो है शासन से बोलते हैं हमको शांति मार्च की परमिशन दी थी, वहां पे दुरुख क्रूर धमकी से लड़के बुला के धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाया। बीरनपुर में जहां शांति स्थापित करने के लिए जनप्रतिनिधियों को अपील करने के बजाय ये आग में घी डालने का काम करते हैं, अरौनोमी दर्द राज्यों में हिंसा होती है, गुजरात में दंगे कराते हैं, रथ यात्रा में लोगों की हत्याएं कराते हैं, ये इनका चरित्र है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धर्म को धर्म से लड़ाना, राजनीति करना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, ये इनका चरित्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पष्ट कर दूं, यहाँ कानून और संविधान का राज है, यहाँ पे 62% महिला से जुड़े अपराध में कमी आती है, हत्या से जुड़े अपराध में 28%, जो अपहरण के मामले हैं उसमें 47%, सारे एनसीआर के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, हम किसी भी अपराध की जांच करते हैं उसके तार सीधे भाजपा से जुड़े मिलते हैं, नक्सलवाद की जांच किए जगत पुजारा 10 साल से सामान सप्लाई, रेत का अवैध उत्खनन की जांच करते हैं नागू चंदाकर, इन्हीं के भाजपा के कलावर मंत्री का राइट है, मानव तस्करी की जांच करते हैं गंगा पांडे जिसका पति कलावर मंत्री का राइट है, आज जब पेंडल की जांच करते हैं तो सांसद के दस के फोटो मिलते हैं, आज
शराब की अवैध तस्करी की बात करते हैं तो इनके कोषाध्यक्ष पकड़ाते हैं, तो ये इनका चरित्र है। आज कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, जितनी भी बलात्कार से जुड़ी घटनाएं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी पीड़िता के साथ नहीं थे। हाथरस में आधी रात को पीड़िता का दाह संस्कार करके बलात्कार को ढकने का प्रयास किया अपराधियों को बचाने के लिए, यह इनका चरित्र है। दिखावे के चेहरे पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आंतरिक रूप से नहीं, महिला से अपराध में समर्थन में हर तरह से रोकने में असफल रहते। आज उत्तर प्रदेश क्यों है, आज योगी सरकार सबसे ज्यादा बुलडोजर चला रही देश में, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मूवी की पिक्चर की बात कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रित है, बताइए क्यों अपराध में पूरे देश में सर्वाधिक है, क्यों हत्या में नंबर वन है, क्यों अपहरण में नंबर वन है, क्यों महिला से अपराध में नंबर वन है, क्या बुलडोजर से अपराध भी नियंत्रण होगा? आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपको कानून और संविधान के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रियेश चौहान जी, क्या बुलडोजर से ही अपराध नियंत्रित होगा? संवैधानिक सम्मत कार्यवाही हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं आपसे अजय गंगवानी जी। क्या सिर्फ मनुस्मृति के हिसाब से कार्रवाई करेंगे आप लोग? ठीक है, बुलडोजर से ही अपराध कंट्रोल होगा ऐसा हमने नहीं बोला। बुलडोजर से भी अपराध कंट्रोल होगा ये हमने बोला। दूसरी बात ये है जी कि राजस्थान में भी बुलडोजर चलाया गया जिसका समर्थन भगत जी ने किया अपराधी के घर में। ये आपको नहीं भूलना चाहिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, शायद ये हमारे हमारे गंगवानी जी को बता दे। और दूसरी बात, गंगवानी जी कुछ भी बोलते रहे, प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वो ये है कि जिसके भी घर में बुलडोजर चला, क्या वो घर गैर कानूनी था या नहीं था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आप व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी, अरे रुक जाओ, बहुत बोल दिया, काम की बात नहीं बोला, लेकिन काम की बात अभी सुनो। पंडित जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला रही की कोई क्यों देश में अपराध में पहले नंबर पे, प्रश्न का जवाब नहीं दिए हमसे, छत्तीसगढ़ की जनता देश की जनता समझ जाएगी कि बुलडोजर चलाने से क्या। ठीक ठीक है अजय जी, प्लीज प्लीज, बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, और जो ये अभी बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या हम सब नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि यूपी में अपराध कम क्यों नहीं हो रहे, ये पूछ रहे हैं। वो उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में पहले नंबर पे पांडे जी, पूरे देश में पहले नंबर पे। तुलना करके देख लीजिए कि आज से 7-8 साल पहले कितने अपराध होते थे यूपी में, बातों को बोल हमारे जवाब नहीं इनके पास। यूपी में आप पहले भी आप ठीक हम लोग पूरे भारत में 10 सेकंड फाइनल कमेंट दे सकता हूं कि जानते हैं कि पहले कितने अपराध होते थे दूसरे राज्यों में और अभी कितने अपराध होते हैं। और दूसरी बात जी जी कि आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए उस चीज का जो आपके पास ना किसी के पास जवाब है ना कुछ है, और ये पूछिए, क्योंकि सत्य की कोई काट नहीं होती। और वो ये है कि सभी अपराधियों के घर में क्या बुलडोजर चले हैं, या जिस अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चले हैं वो गैर कानूनी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था या नहीं किया था, ये दो चीजें हैं। इस दो चीजों का काट पूरी कांग्रेस के पास नहीं है, और कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है, कांग्रेस अपराधियों का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के का काम है, इस वजह से ये विरोध। चलिए ठीक है गंगवानी जी, चौहान साहब केवल ये कह रहे हैं कि आप लोग विरोध इस बात का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार बुलडोजर कार्रवाई को तर्कसम्मत बताती है। जी देखिए पंडित जी, तीन चीजें सबसे, मैं तीन तथ्य दे देता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई, उसके बाद उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे महत्वपूर्ण है। आज 3 महीने हो चुके मणिपुर में, आज 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए, 10,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए, 60,000 लोग आधार शिविर में है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कर्नाटक जाने के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इजिप्त जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, सारे चुनावी रैलियों के लिए सत्ता के जो लुप्त है उनके पास समय है। आप पहली बार 36 सेकंड के लिए बोले, अभी संसद में 2 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया पांडे जी, मणिपुर में फोन मिलकर बोले 2 मिनट को सेकंड, तो इनकी प्राथमिकता में क्या है?
क्या इतनी बड़ी बड़ा बात है बुलडोजर कर रहे हैं? क्यों मणिपुर की हिंसा को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? पहुंचे क्या? क्योंकि दिख रहा है कि आप मेरे पास समय चर्चा का अब खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय गंगवानी जी, टीएस स्वान साहब, आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया। सवाल था बुलडोजर कार्रवाई से जनता में अगर विश्वास पैदा होता है, जनता अगर सराहना करती है और सरकार इस कार्रवाई को इसलिए करने का दावा करती है कि ऐसा करके हम अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा कर सकें, लेकिन क्या वाकई में अदालत भी इस बात को मानती है? संवैधानिक प्रक्रिया में आप बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, इसे ज़रूर सोचिएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।